जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पावर वीडर का जो है सो जानकारी लेने वाले हैं। ये दोनों में से एक जो है सो ये चलते रहता है, इसको चलाते रहते हैं, और ये जो है सो नवंबर में लास्ट चला है। नवंबर के बाद ये रखा हुआ है, नवंबर के बाद से अभी तक इसको न चेक किए हैं कहाँ पर क्या है नहीं है, और ना ही स्टार्ट करके देखे हैं। तो अब जो है सो इसका काम आने वाला है। अब अप्रैल भी ख़त्म होने वाला है, मई में चूँकि धान का जो है सो जीरी लगना है, तो इसलिए अब इसको जो है सो देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने के लिए लेके चलते हैं अपना घर के पीछे, चूँकि यहाँ स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत आवाज़ करेगा, और इसको चेक भी करना है, इसमें बहुत सा काम है, इसलिए इसको घर के पीछे लेके चलते हैं। हम लोग इसको लेके आ गए हैं अपने घर के पीछे, और इसको अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसको देखना जरूरी है, इसमें पेट्रोल है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। बहुत दिन से रखा हुआ है, करीब 5-6 महीने से। ओहो, पेट्रोल इसमें कहाँ से रहेगा 5-6 महीना। लाओ पेट्रोल दे दो। पेट्रोल डाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं, क्योंकि रखा हुआ तो बहुत दिन से है, लेकिन कंपनी वाले बोलते हैं कि हमारा मशीन जो है सो 1-2 साल के बाद भी अगर आप निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा देसी जुगाड़ स्टार्टर बना हुआ है, क्योंकि इसका स्टार्टर जो है सो टूट चुका है, देख सकते हैं आप, 3-4 साल हो गया इसका, इसलिए वो ढक्कन मैंने नहीं लगाया, ढक्कन लगा देते। और ये मेरा देसी जुगाड़ रस्सी जिससे हम स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं स्टार्ट होता है। चौक को दोस्तों, ये 4-5 महीना के बाद हम इसको निकाले और स्टार्ट किए, तो एक बार में ये स्टार्ट हो गया। यही है पेट्रोल इंजन का खासियत। इसको ख़रीदने में हमको काफ़ी जो है सो महंगा पड़ गया था, हमको लग रहा था कि हम ठगा गए हैं, लेकिन इसका काम जो है सो बहुत उम्दा है। हम इसका भी वीडियो बना के रखे हुए हैं, इसको हम अटैच कर देंगे, उसके बाद आप लोग कमेंट में बताइए कि ये काम कैसा करता है। तो दोस्तों आइए अब इसका लाइव डेमो देखते हैं। देखिए आपके सामने कितना घास है, कितना खरपतवार है, और ये मशीन उसको काटते हुए एक ही बार में कितना अच्छा जो है सो निराई गुड़ाई करता हुआ जा रहा है। दोस्तों एक बात का ख्याल रखें, इस मशीन से निराई गुड़ाई करने के लिए आपका जो है सो बगीचा हो या खेत हो, उसमें नमी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर सूखा हुआ ज़मीन रहेगा तो ये अच्छा से काम नहीं करेगा, इसलिए ज़मीन में नमी होना चाहिए, तब जाके ये आसानी से 6-7 इंच तक आपका काम कर देगा। अगर सूखा ज़मीन रहेगा तो ये 4 इंच तक ही गहरा ले जाएगा। देखिए आपके सामने ये कैसा काम कर रहा है, आप लोग भी देख के अंदाज़ा लगाइए और बताइए हमें कमेंट में
ये कैसा काम कर रहा है, कितना गहरा इसका जो है सो मट्टी जा रहा है, आप लोग अंदाज़ा लगा करके कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको इस मशीन के बारे में कुछ भी अगर सवाल हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।